तो दोस्तों ट्विटर ने कर दिया है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम और करने को दे दिया हमारी इन खूबसूरत सी उंगलियों को आराम। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, अब आप सिंगल टैप से ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसे कर पाएंगे ट्वीट। तो कौन सा है ये फीचर और कौन कौन से यूजर्स को ये फीचर देखने को मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। तो यार मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निफाइड जोन। तो आओ यार देखते हैं। तो भाई ट्विटर ने तो यहाँ पर मजे ही बांध दिए हैं अपने इस नए फीचर वॉइस ट्वीट को लॉन्च करके। जी हाँ दोस्तों, इस फीचर का नाम है वॉइस ट्वीट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक सिंगल टैप से ही करना है रिकॉर्ड अपने मन की बात और कर देना है उसे ट्वीट। तो अभी तक क्या था कि हम टेक्स्ट में ट्वीट करते थे, वो भी 280 कैरेक्टर्स एक लिमिटेशंस थी। तो ये अच्छी भी बात थी क्योंकि अगर आप बहुत लंबे लंबे चिट्ठे लिख दोगे तो कोई उसे पढ़ने वाला नहीं है, हर कोई थोड़ा बहुत पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ये 280 कैरेक्टर सफिशियंट नहीं होते आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी बातों को, आपके मैसेजेस को लोग मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, गलत वे में समझ लेते हैं। तो ऐसे में ये वॉइस ट्वीट बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और हर एक इंसान के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अब लोग आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद ट्विटर ने है जो ये वॉइस ट्वीट लॉन्च कर दिया है। तो भाई इस वॉइस ट्वीट को यूज़ करना बहुत ही आसान है, अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अभी तक आप टेक्स्ट ट्वीट करते थे सिंपली, वैसे ही इसको भी यूज़ करना है। आपको बस जाना है अपने ट्वीट कंपोजर में, वहाँ पे आपको वेवलेंथ का आइकन मिलेगा। ये वेवलेंथ का आइकन वैसा ही है जैसा रिकॉर्डिंग में आप करते हो ना अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग, तो आपको अपनी वॉइस के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेंज ऊपर नीचे होती दिखती है, वो है ये आइकन। तो इस आइकन पे आपको सिंपली टैप करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग का बटन। तो आपको सिंपली टैप करना है और करनी है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आपको मिल जाती है, वो ये है कि आप 140 सेकंड से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए ट्विटर ने आपको रिकॉर्डिंग का एक नया फैसिलिटी दिया है कि वो ये है कि आप बस रिकॉर्डिंग करते रहिए, जितनी लंबी आपको रिकॉर्डिंग करनी करते रहिए, ट्विटर आपके लिए खुद ही एक नया वॉइस ट्वीट स्टार्ट कर देगा और आपकी सारी वॉइस ट्वीट का एक थ्रेड बना देगा। तो मतलब जब भैया आप पोस्ट करोगे यानी ट्वीट करोगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स एक सीरियल में ही आपको देखने को मिलेगी, वो भी एक सिंगल ट्वीट में। तो ये सारी ट्वीट्स जो हैं आपको सिंपली बिल्कुल वैसे ही दिखेंगी जैसे बाकी ट्वीट्स आपको फीड्स में दिखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल के लिए ये आप सभी यूज़र्स को ये देखने को फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ अभी iOS के कुछ लिमिटेड यूज़र्स के लिए ही अवेलेबल है। बाकी iOS के सारे यूज़र्स को कुछ टाइम बाद मिल जाएगा और हम सभी यूज़र्स को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, मगर उम्मीद करता हूँ कि ट्विटर बहुत ही जल्दी हम सभी को ये फीचर प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो इस नए फीचर को यूज़ करने के लिए, क्या आप इस फीचर को पसंद करोगे या नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे किसी नए खास वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।